हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रशांत व्लॉग्स। तो मैं जा रहा हूँ भेवारी, ये रीवा से 80 किलोमीटर। तो रास्ते में गोविंदगढ़ पड़ता है और यहाँ के आम प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी वैरायटी रहती है भैया, बता दो अब तुमने बोला। हाँ बताओ। दरबार चौथा और क्या, वैरायटी सब खत्म हो गई, लास्ट सीजन चल रहा है। हाँ जी। और क्या क्या रेट है अभी? हो गया 150 का रेट चल रहा है, 150। अच्छा, सही रेट बताओ। ठीक है ठीक है। तो ये फेमस है यहाँ के आम, तो मैंने बोला शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। तो ये भाई भी बोल रहा था, क्या नाम है? राजेश कोरी। राजेश कोरी, ये भाई भी है गोविंदगढ़ में, है ना। इनसे हमने आम लिए हैं। अपन को क्या भाव दिए इनने? 100 रुपये। 100 रुपये है इसका रेट। ये कितने दिन तक रहते हैं ऐसी? अभी अच्छा इसकी तक चलेगा। नहीं नहीं, इसकी क्वालिटी मैंने सुना है भैया से कि क्या बोलते हैं, काफ़ी दिनों तक ऐसे ही रहता है जैसा है, मतलब ऐसे परचेज करा। दो तीन दिन रहेगा, उसके बाद पकने के बाद बेचना पड़ेगा। ऐसा? ठीक। तो ऐसा है यहाँ का, तो मैंने बोला शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। तो यही सब है, आगे चलते हैं दिखाते हैं। अभी जो भेवारी का जो रूट है ना, वो पहाड़ों के बीचों बीच वो वाली लोकेशन मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। सुना है कि थोड़ा बहुत जो है जंगल कट गया है वहाँ का, लेकिन देखते हैं क्या है, कैसा क्या है, पता चलेगा अभी आगे जा करके, है ना। तो बने रहो व्लॉग पे, मिलता हूँ मैं आगे, है ना। ठीक है भाई, है ना। हाय फ्रेंड्स, तो मैं जा रहा हूँ खंदो वाटरफॉल। तो शेयर कर लेता हूँ आपसे लोकेशन। खंदो वाटरफॉल है जहाँ मैं रुका हूँ, वहाँ से अपने पुष्पराज नगर से भैया कितने किलोमीटर होगा खंदो वाटरफॉल? 3। अपने घर से? अपने घर से मान के चलो 22 से 30 किलोमीटर मान लीजिए। जहाँ मैं रुका हूँ पुष्पराज नगर, वहाँ से है 25 से 30 किलोमीटर करीब है। तो मैं व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। मैप पे डालोगे खंदो वाटरफॉल तो पहुँच जाओगे सीधे खंदो वाटरफॉल। व्यू देखो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। वाले लोकेशन पे अभी हम लोग पहुँचेंगे, वहीं से हम लोग को भेवारी जाना है ना भैया, वही वाली लोकेशन से होते हुए जाएंगे ना। हाँ, तो वहीं से होते हुए अभी हम लोग जाएंगे भेवारी। पहले हम लोग खंदो वाटरफॉल कवर करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे भेवारी के लिए। तो चलिए चलते हैं खंदो वाटरफॉल। गांव से एक सीमेंटेड रोड कट गई है, अभी रोड बन रही है सीमेंटेड, तो वहाँ से एक राइट पड़ता है ना, गांव पड़ता है छोटा सा, वो जहाँ मैंने वो वीडियो बनाया है ना आम वाला, जहाँ से आम परचेस करें, वहाँ से थोड़ी सी आगे आओगे तो राइट टर्न लेना एक, वहाँ से राइट टर्न लेकर के ये खंदो वाटरफॉल वाला एक छोटा सा गांव का रास्ता आएगा, तो उसी से होते हुए जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मैप पे डालोगे खंदो वाटरफॉल डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे। और वाला व्लॉग नहीं देखा है आपने, किवटी वाला, किवटी वाटरफॉल और किवटी किला, वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वो देख लेना जा करके। यहाँ से कटना है लग रहा भैया, है ना। अच्छा अच्छा यहाँ से लेफ्ट, तो आई बटन पे वो भी मिल जाएगा, पूर्वा वाटरफॉल वो भी मिल जाएगा आई बटन पे। यहाँ से चलें, है ना, यहीं से चलें ना। यहाँ से दिखा रहा चले जाएगा। हाँ चल जाएगा, पहुँच गए हम लोग। ये वाले यहाँ से नहीं निकलेगा, निकल जाएगी ना।
बाकी उधर से चले। उधर ही गाड़ी खड़ी। हाँ वो है तो। ये है पहुंच गए, ज़्यादा दूर है नहीं। तो फ्रेंड्स ये आ गई घाटी, जिस घाटी की बात कर रहा था मैं, छुईया घाटी। ये रीवा से भैवारी के लिए जाते हैं तो तब पड़ती है। पूरा देखो आप लोग, ये देखो पूरा क्या खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा ऐसे जाएगी रोड, ऐसे ये पूरी वो ऐसे 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 पूरी ऊपर ही चढ़ते जाएगी। छुईया घाटी बोलते हैं वो, देखो टॉप पे कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस साइड देखो, दिखाता हूँ इस साइड देखो, ये देखो सूरज ढल रहा है उस साइड से। अब पूरी घाटी घाटी आएगी। ये देखो वहां से आ रहे हैं हम लोग सामने से, वो देख रहे हो वहां से आ रहे हैं। रीवा में पानी अभी गिर नहीं रहा है, कटनी में तो था लेकिन यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। मान लो 10 से 15 दिन तो हो ही गए यहाँ पानी नहीं गिरा। और सुना है कि रीवा में जब सितंबर में पानी हर जगह ख़त्म होने पे रहता है, एंडिंग पे होता है एमपी में, तब यहाँ पानी शुरू होता है और बाढ़ आती है। 3-4 साल से ऐसे ही हो रहा है रीवा में, सितंबर में पानी गिरता है और बाढ़ आ जाती है। ये देखो ऐसे हाइट है ये पूरा, ये देखो ये पूरा ऐसे टर्न होगा। घाटी घाटी है पूरी। चलिए बने रहिए व्लॉग पे, आगे मिलता हूँ मैं। फ्रेंड्स ये देखो व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। वो पूरी नीचे गाड़ियाँ चल रही हैं, हम लोग को वहाँ नीचे जाना है उधर। और वो पहाड़ी देखो, वो पहाड़ी उधर जाना है अपन को, वो भी पार करना है। वो पहाड़ी भैया बोल रहे वो भी पार करना है। तो मैं रीवा टू भैवारी जा रहा हूँ है ना। इस ये लोकेशन का सबसे मेन मकसद यही है कि जो ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं ये आपके साथ शेयर करना है। कौन सी घाटी पड़ती है भैया, क्या नाम बताया था? छुईया घाटी। छुईया घाटी पड़ती है, ये अल्टीमेट व्यू है। लेह लद्दाख मनाली ये वाला तो है अल्टीमेट, लेकिन ये भी कोई खूबसूरत नहीं है ये जो एमपी में है। रीवा टू भैवारी वाली जो लोकेशन पड़ती है छुईया घाटी, ये पूरा देख रहे हो क्या खूबसूरत लग रहा है। धुंध 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 ऐसा लग रहा है उस साइड पानी गिर रहा हो, पूरा धुंध है। तो चलिए बने रहिए व्लॉग पे, मिलता हूँ आगे शेयर। फ्रेंड्स ये जो गाड़ी देख रहे हो आप लोग, ये स्टार्ट नहीं है, सिर्फ ये देखो न्यूट्रल है, देख रहे हो ये देखो न्यूट्रल है। हम लोगों ने न्यूट्रल कर दिया और ऑफ है गाड़ी, जो पेट्रोल है वो यूज़ नहीं हो रहा है। ढलान ऐसी है, पूरी ढलान 2.5 किलोमीटर की है भैया बता रहे हैं। ये पूरी ऐसी ढलान है ये ऐसी। ये देखो व्यू देखो आप लोग, तो पूरा ये नीचे यहाँ से ऐसे उतर जाएंगे, पूरा ढलान है 2-2.5 किलोमीटर की समथिंग है। ये ऊपर देखो ये, यहाँ पर भी नहीं चालू करनी पड़ेगी गाड़ी, पूरा हम लोगों ने बंद है, इग्निशन बंद है। ये देखो बंद है, फिर से दिखाता हूँ, ये देखो बंद है। 2.5 किलोमीटर की ढलान है, गाड़ी चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्यू देखो व्यू व्यू देखो व्यू देखो व्यू देखो व्यू देखो व्यू देखो व्यू देखो, ओए होए 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 होए। यह है चरकी घाटी है ना फ्रेंड्स। तो ये पूरी ढलान है 1.5 से 2 किलोमीटर की, और जैसे कि न्यूट्रल देख रहे होगे, देख रहे हो देखो न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है गाड़ी पूरी उतर रही है। और 6:30-7 समथिंग हो रहा होगा, अभी अंधेरा हो चुका है। जब मैं भैवारी से रीवा जाऊँगा ना तो प्रॉपर इसकी एक बार और डिटेलिंग दे दूँगा। तो उस समय तो घाटी चढ़ रहे होंगे, अभी उतर रहे हैं, तो ये भी शेयर कर ली जाए मैंने बोला आपके साथ। ये पूरा नीचे उतर रहा है, चरखी घाटी कहा जाता है ऐसे।
और जो ऊपर थी वो वाली कौन सी थी, कौन सी छुईया घाटी थी जो ऊपर से थी, और ये जो नीचे उतर रहे हैं ये नाम भूल गया हूँ, बता दूंगा मान तो छुईया घाटी है ये। ये नीचे पूरा उतर रहे हैं, गाड़ी फ्लो फ्लो में जाती है, रोड ठीक है, रोड इतनी कोई ख़राब नहीं है, ठीक ठीक है। अब गाड़ी मैंने चालू कर ली है, अब पूरा नीचे उतर गए हम लोग। किसी का घर है जहाँ दीदी की जॉब भिवारी में है, स्कूल टीचर है वो, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ये घाटी की वजह से यहाँ पे जब आते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, और इस सीज़न में बारिश वाले सीज़न में तो बहुत ही अच्छा लगता है। घाटी तो ये पेड़ है हरे भरे हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये पहुँच गए हम लोग, मैंने स्टार्ट ही करा था उतने में, यहीं खड़ी कर दूं, अभी ऊपर लाना है। अरे अभी यहीं खड़ी कर देता हूँ, फिर सामान निकाल लेंगे, फिर खड़ी कर देंगे, सामान निकाल लें फिर खड़ी कर देंगे। पहुँच गए हम लोग, यहीं रखा तू भैया। पहुंच गए हम लोग, हो आई होप अच्छा लगा वो लोग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। Please subscribe my channel and press the bell icon.